अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान बच्चे सैंडविच या फिर बर्गर खाने की डिमांड करते हैं या फिर नाश्ता बनाने में दिक्कत आती है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और सिंपल सा बनने वाला बर्गर या फिर सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप सूजी से जब चाहे बना के एंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाना काफी आसान है, खास बात यह है कि एक चम्मच ऑयल में बनके तैयार हो जाता है। तो आइए इसे झटपट से बना लेते हैं। सूजी का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी यानी कि रवा, 1/2 कप दही, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी सभी के घर अवेलेबल रहती है, तो इसलिए मैं ये नाश्ता आपको सूजी से बता रही हूँ। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। सभी चीज़ें मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सीमित थिक बैटर बना के तैयार करेंगे। यहाँ पर जो बैटर है वो हमारा बन गया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। रेस्ट पर छोड़ने से हमारी जो सूजी है वो फूल के दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए, अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी है वो फूल के दुगनी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। ध्यान रहे सिर्फ इतना ही पानी ऐड करना है जितनी ज़रूरत हो। पानी डालने के बाद अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारा बैटर वो बनके तैयार हुआ है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बना के तैयार करना होता है। तो अब हम इस नाश्ते को फ्लफी फ्लफी बनाएंगे। तो इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। आप यहाँ पर 1 सैसे इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे जो हमारा नाश्ता है वो काफ़ी फ्लफी बनेगा। तो यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा को सूजी मिक्स में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने यहाँ पर ली है 3 कटोरियाँ, आप किसी भी तरह की कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन्हें ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। कटोरियों को ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें बैटर फिल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, बैटर आपको सिर्फ इतना ही फिल करना है जितने में जो आपकी कटोरियाँ हैं वो आधी फिल होनी चाहिए। अगर आप पूरी फिल कर देंगे तो जो आपका बैटर है वो बाहर निकलने लगेगा। हमें ये नाश्ता सेम इडली की तरह बना रहे हैं, तो बस इतना इतना ही बैटर हम इसमें फिल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी में 1/4 कप बैटर फिल किया है। तो सभी कटोरियों में हमने बैटर है वो फिल कर दिया है। अब हम इसी तरीके से इन्हें हल्का टैप कर देंगे, इससे इनमें जो एयर बबल्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अब गैस पर मैंने पतीला रखा है, मैं इसमें ऐड करूँगी 1 ग्लास पानी और इसे कवर कर दूंगी। और कवर करने के बाद इसमें एक बॉयल आने दूंगी। बॉयल आ जाने के बाद अब हम इसके अंदर रखेंगे एक स्ट्रेनर। आप यहाँ पर स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाउल को उल्टा रख के उस पर एक प्लेट रख के फिर कटोरियाँ सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें कटोरियाँ सेट कर देंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को इडली मेकर में भी बना सकते हैं। और सेट करने के बाद इसे फिर से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए धीमी गैस पर इन्हें ऐसे ही स्टीम होने देंगे। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो गई हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारी इडलियाँ हैं वो अच्छे से स्टीम हुई हैं या नहीं। जिस तरीके से फूड स्टिक से हम चेक करें तो आप देख सकते हैं बैटर है वो चिपक के नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी इडलियाँ हैं वो अच्छे से स्टीम हुई हैं। तो अब हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और कटोरियों को बाहर निकाल लेंगे और इन्हें रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे 1/3 टेबल स्पून जीरा, 1/3 टेबल स्पून सौंफ, इसका इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, 1/3 टेबल स्पून क्रश की हुई साबुत धनिया, इसका भी इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। जब हम इसे खाते हैं नाश्ते को तो इसके बड़े बड़े वाइट मुंह में आते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और अच्छे से सॉटे करेंगे 1 मिनट के लिए, जब तक जो हमारा प्याज है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। फिर इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इसको भी सॉटे करेंगे 30 सेकंड के लिए। फिर अब मैंने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से हरी मटर के दाने, ये ऑप्शनल हैं, इनको भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर जिसे मैंने बारीक बारीक कट करके लिया है, इसके जो बीज का बीज वाला पार्ट होता है वो मैंने निकाल दिया है, इसको भी सॉटे कर लेंगे 30 सेकंड के लिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी सभी सब्जियाँ हैं वो सॉटे हो गई हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ध्यान रहे नमक बाद में ही ऐड करना है, अगर आप साथ में ऐड कर देंगे तो आपकी सभी सब्जियां हैं वो पक जाएंगी। हमें इस नाश्ते के लिए थोड़ी सी सब्जियां कच्ची चाहिए होती हैं, यानी कि क्रंची क्रंची टाइप की। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 पिंच गरम मसाला, 1/3 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप इस नाश्ते को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स को अवॉइड कीजिएगा। अब हम सभी मसालों को 30 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए सौटे कर लेंगे। यहाँ पर हमें फ्लेम को धीमा रखना है। ये नाश्ता हम हेल्दी बना रहे हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर बहुत कम मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने पसंद के मसाले या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं। तो सभी मसाले यहाँ पर हमने अच्छे से सौटे कर लिए हैं। इनमें इस टाइम पर काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बॉईल किए हुए आलू मैश करके लिए हैं। मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये नाश्ता बनाना काफ़ी आसान है। अगर आपके बच्चे सैंडविच खाने की या बर्गर खाने की डिमांड करते हैं तो आप इस नाश्ते को बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे बोल में निकाल लेते हैं। अब इधर हमारी जो इडलियाँ हैं वो भी काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब हम इन्हें कटोरी से रिमोल्ड कर लेंगे। रिमोल्ड करने से पहले इस तरीके से चाकू की सहायता से इसके किनारों को लूज़ कर लेंगे, इससे आसानी से निकल आएंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी फ्लफी फ्लफी स्पंजी हमारी इडली हैं वो बन के तैयार हुई हैं। इसी तरीके से सभी इडलियों को मैं डिमोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सभी इडलियों को डिमोल्ड करके ले लिया है। इतने से बैटर में हमारी 6 इडलियाँ हैं वो बन के तैयार हो जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक इडली लेंगे और इस तरीके से चाकू की सहायता से इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि सैंडविच या फिर बर्गर की तरह हमें इसे डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं इसके 2 स्लाइसेज वो बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके से और भी हम स्लाइसेज बना के तैयार कर लेंगे। ये नाश्ता खाने में काफ़ी स्वादिष्ट रहता है और ख़ास बात यह है काफ़ी हेल्दी रहता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम ऑयल में बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाता है, तो आपकी फ्रेंड्स और फैमिली को काफ़ी पसंद आने वाला है। और साथ ही में अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सभी हमने जो इडलियाँ हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड करके ले ली हैं। अब मैंने यहाँ पर जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी वो भी ले ली है, साथ ही में लिया है चिली केचप। आप यहाँ पर हरी धनिया की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा टमाटो केचप ले लिया है जो बच्चों को काफ़ी पसंद होता है। अब हम इसके 1 पार्ट पर इस तरीके से टमाटो केचप लगाएंगे। फिर दूसरे वाले पर हम लगाएंगे चिली केचप। चिली केचप लगाने के बाद इस तरीके से इसके ऊपर स्टफिंग फिल करेंगे। और फिल करने के बाद हम इसे दूसरे वाले सैंडविच से कवर कर देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा एक सैंडविच। आप देख सकते हैं अभी से ये काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। तो इसी तरीके से और भी सैंडविच हम बना के तैयार करेंगे। अगर आपको ऐसी और भी न्यू न्यू नाश्ते की रेसिपी देखनी है तो मैं उन सभी के लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। आप इस नाश्ते को बिना दही के भी बना सकते हैं, पानी से सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो जैसे चाहें वैसे इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर सभी सैंडविच हैं वो हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप ऑयल बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं इन्हें थोड़ा सा सैलो फ्राई करूँगी, तो इसके लिए मैं गैस पर कढ़ाई रखूँगी और इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे येलो सीड्स। आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सीड्स को हम चटका लेंगे। आप यहाँ पर करी पत्ते भी ले सकते हैं। फिर हम इसमें जो सैंडविच हमने तैयार किए हैं उन्हें रख देंगे और रखने के बाद लो फ्लेम पर इन्हें ऐसे ही सेलो फ्राई होने देंगे। जब ये नीचे से हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट के दूसरे साइड से भी ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इससे ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे और साथ ही में काफ़ी स्वादिष्ट लगेंगे। तो आप इस तरीके से बना के इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे जो सैंडविच हैं वो सेलो फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें झटपट से सर्व कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे झटपट से टेस्टी और स्वादिष्ट से बर्गर या फिर सूजी के सैंडविच, या फिर आप सूजी का नाश्ता बोलिए, आपका जो भी मन है वो बोलिए और इन्हें एंजॉय कीजिए। या फिर मेरी तरह आप इन्हें केचप के साथ सर्व कीजिए, चाय के साथ, जिसके भी साथ आप खाना पसंद करते हैं उसके साथ सर्व कीजिए। तो गाइस आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।